दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप किसी भी डेस्कटॉप साइट को, मतलब जो कि वेबसाइट कंप्यूटर पे चलती है, वैसे सेम टू सेम वेबसाइट अपने फोन में कैसे ओपन कर सकते हो। लाइक ऐसा लगेगा कि आप कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हो। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आपको हमारे राइट में एक विंडो दिख रही है, दिख रही है। अब आपको क्या करना है, इसमें गूगल क्रोम ओपन कर लेना है, मतलब अपने फोन में गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। आपको इस तरफ राइट में थ्री डॉट देखने को मिल रहे हैं, उन पे क्लिक करना है और नीचे आओगे तो डेस्कटॉप साइट को इनेबल कर देना है। इनेबल कर देने के बाद अब आप यहाँ पे कोई भी वेबसाइट सर्च करोगे, वो पेज ऐसे खुलेगा जैसे आप कंप्यूटर पे खोल रहे हो। आप उस वेबसाइट पे क्लिक करोगे सर्च इंजन में जाने के बाद, तो आप डायरेक्ट एक ऐसे पेज पे रिडायरेक्ट होंगे जैसे आप कंप्यूटर पे रिडायरेक्ट होते हैं। अब बात करें कि कुछ ऐसी वेबसाइट होती हैं जो सीधा आपको ऐप्स पे लेके चली जाती हैं, लाइक यूट्यूब या यूट्यूब स्टूडियो, तो उनको हम अपने फोन में एज ए डेस्कटॉप कैसे खोलें। तो आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस करना है, लेकिन सर्च जब आप करते हैं यूट्यूब या यूट्यूब स्टूडियो सर्च कर लेना है, जब आपके सामने फ्रंट पेज आ जाता है तो आपको क्या करना है, जो लिंक होता है उसको थोड़ी देर प्रेस करके रखना है, जैसे हमने करा हुआ है। वहां पे आपको देखने को मिलेगा ओपन ए न्यू टैब, उस पर क्लिक करना है। दो जो न्यू टैब खुलेगी वो आपकी एक विंडो की तरह खुलेगी और ये ऐप जो आपको कभी भी आपके ऐप में नहीं लेके जाएगा और आपके फोन में एज ए डेस्कटॉप की तरह यूट्यूब या यूट्यूब स्टूडियो ओपन हो जाएगा। इससे आप किसी भी कंप्यूटर वाले काम को अपने फोन में इजीली कर सकते हो। अगर आपको हमारी टिप पसंद आई हो तो ऐसी मोर टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए, टेक्नोलॉजी अपडेट्स के लिए, अनबॉक्सिंग के लिए, रिव्यू के लिए हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर लें, जिससे कभी भी आप हमारे नोटिफिकेशन अपडेट को मिस ना कर सकें। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।